लुधियाना की ऐतिहासिक जामा मस्जिद के शाही इमाम मौलाना हबीबुर रहमान सानी लुधियानवी ने झारखंड में प्रवेश अंसारी की हत्या और देश के अलग अलग हिस्सों में मॉब लिंचिंग की घटनाओं के खिलाफ रोष प्रकट किया है तथा ऐलान किया कि देश के मुसलमान ऐसी घटनाओं का डटकर मुकाबला करेंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए शाही इमाम ने कहा कि इस देश की आज़ादी के लिए सबने बराबर कुर्बानी दी है। उन्होंने ऐलान किया कि मुसलमान अब इसे और नहीं सहेंगे और ऐसी ताकतों का डटकर मुकाबला किया जाएगा। ये झारखंड के अंदर जो तबरेज अंसारी को मारा और उसको शहीद कर दिया गया उसके बारे में, और ये पूरे मुल्क में इसी तरह गुंडागर्दी हो रही है। पूरे मुल्क के अंदर मुसलमान, दलित, सिख और घट गिनती के लोग जो हैं महफूज नहीं हैं। मजलिस एहरार जो हिंदुस्तान की तकसीम के वक्त हिंदुस्तान की जंग आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी और कुर्बानियाँ दी थी, आज पूरे मुल्क के मुसलमानों को और दलितों को सबको एक बात कहना चाहते हैं कि हमारे हकूक़ है, हम अपने हकूक़ की खातिर दोबारा से फिर से एक अपने सम्मान की खातिर, अपनी जान की खातिर फिर से एक दोबारा लड़ाई लड़ेंगे। अभी दिल्ली के अंदर एक इमाम साहब को पीटा है और अभी कल रात की बात है कि मध्य प्रदेश के अंदर भी मकसद ये घटना हुई है, ताज़ी घटना हुई है। ये मकसद यह है कि भी किसी की ये एक बहुत यानी कि विकास के नाम पे आपने वोट ली। आप बताइए कि आपकी आपके जितने लीडर थे उन्होंने कभी जंग आज़ादी के अंदर हिस्सा लिया? वाजपेयी जी खुद माफ़ी मांग के बाहर निकल के आए थे। आज तक आरएसएस ने, बीजेपी ने, तो बताइए कोई इनके अंदर ऐसा आदमी निकला जिसने देश के लिए कुर्बानी की? जिन लोगों ने कुर्बानी की, क्या हमारा देश नहीं है? क्या मुसलमान होना कोई गुनाह है इस मुल्क के अंदर? अगर मुसलमान है तो उसको सरेआम पकड़ोगे, सरेआम उसको मार दोगे, उसको गोली मारोगे, उसके जिसमें मिले जानवर को भी ऐसे लोग नहीं मारते जिस तरह जिस तरीके से साथ आपने उसका तबरेज अंसारी को मारा है और बाकी सूबों के अंदर आप जुल्म तशद्दुद कर रहे हैं। अब बर्दाश्त की हद हो चुकी है। हम आमने सामने, अगर हमारे साथ ज्यादती होगी, आमने सामने हमारे पास जो कुछ होगा, हम अपनी अपनी जान के लिए, अपने आत्म सम्मान के लिए अपनी लड़ाई लड़ेंगे इंशाल्लाह। जागृति लहर के लिए लुधियाना से सुरेंद्र अरोड़ा, सोनी की रिपोर्ट।